रोगियों को भी जाति पूछी जाएगी, धर्म पूछा जाएगा, ये बेहद निंदनीय बात है। ऐसे डॉक्टरों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, इनको अविलंब उस पद से हटाया जाना चाहिए। देश में नौटंकी करने से, मदारियों का खेल दिखाने से देश की जनता का भला नहीं होगा, देश का भला होगा। आप रिजाइन कर दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने देश में एक भी संपत्ति नहीं बनाई, पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संपत्तियां बनाई थी उसको आपने निजीकरण कर दिया। गोबर पात्रा वो एनजीसी से 27 लाख रुपया प्लस फंड बोनस लेता है और बीजेपी के लिए जाके हाई हुल्ला मचाता है, नफरत फैलाता है, ये घोटाला नहीं है। मनोज तिवारी कहीं से जनसेवक नहीं है, मनोज तिवारी नाचने गाने वाले लौंडे हैं। एक अंडा के लिए इन्होंने बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया, ब्राह्मणों का काम एक अंडा के लिए छीछा लेदर करना है? मनोज तिवारी जी एक शिक्षिका का अपमान किया गाना गाने के लिए, कहते हैं कलाकारों का सम्मान नहीं। अरे आप कलाकार पहले, आप बेटा हैं, आप घर के पुरुष हैं, आप ये बात सोचिए कि एक महिला ने गाना गाने के लिए कहा, आप उनके अपने स्टूडेंटों के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको शोभा देता है क्या? पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी, एक सवाल है मेरा कि जब हमने देखा कि दिल्ली में जमातियों को लेकर के इतना सारी अफवाहें फैलाई गई, अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कानपुर की जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज की, आरती लाल चंदानी जी, वो ये कह रही है जमातियों को लेकर के बहुत कुछ कह जाती है, उसको लेकर सरसोला क्या कहना चाहेंगे, क्या तर्क देना चाहेंगे आज के समय में? सबसे पहले गीता का नियम है, गीता के हिसाब से जो डॉक्टर का धर्म है रोगियों की इलाज करना, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं इसका सत्ता के साथ, सरकार के साथ लिंक है, तभी इनके इतने मन भरे हुए हैं। वरना एक डॉक्टर जो प्रिंसिपल है कानपुर मेडिकल कॉलेज की, इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण और इतनी अमानवीय बयान देना और कृत्य करना सरासर गलत है, जो डॉक्टर धर्म को भी शोभा नहीं देता। डॉक्टरों का काम है, रोगियों की कोई जाति नहीं होती है, रोगियों की कोई धर्म नहीं होता है, मानवता के लिए डॉक्टर जाने जाते हैं। डॉक्टरों में अगर इस तरीके की सोच आने लगेगी तो देश का क्या होगा? सचिव वैद्य गुरु तीनों जो प्रिय बोल रही भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगहिनाश। आज देश में देखने को मिल रहा है, देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, जब से मोदी जी की सरकार आई है, इन्होंने नफरतों का बवंडर सा खड़ा कर दिया है, नफरतों का तूफान खड़ा कर दिया है। देश में लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं, नफरत करने लगे हैं, और देश के कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण यही है। यही टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो देश में नफरत की बात करते हैं, देश में विभाजन की बात करते हैं। क्या अब बीमार रोगियों को भी जाति पूछी जाएगी, धर्म पूछा जाएगा? ये बेहद निंदनीय बात है। ऐसे डॉक्टरों को सजाए मौत की सजा मिलनी चाहिए, इनको अविलंब उस पद से हटाया जाना चाहिए। किसी एक विशेष धर्म के लोगों ने किया है, अब क्या है कि केंद्र में बैठे लोग हैं, इसको लेकर के कुछ चुप्पी साधे हुए, कोई कुछ नहीं कर रहा है, इसको लेकर के क्या करें? देखिए, जब प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब इन्होंने बैठक करी थी तो देश के तमाम नामचीन पत्रकार, संपादक, मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, तमाम दिग्गज लोग थे जो इनको संचालन करते हैं, उन लोगों से कहा गया था पॉजिटिव खबर दिखाने की बात। प्रधानमंत्री जी उसी दिन, प्रधानमंत्री की बात समझ में आ गई थी कि देश में सच्ची खबरों को नहीं दिखाना देश के मीडिया का सबसे बड़ा काम हो गया। आज देश पूछना चाहता है, क्या मीडिया का काम मदारी की बंदर की तरह सरकार के आगे पीछे नाचना है? क्या मीडिया का काम सरकार का गुणगान करना है? क्या मीडिया का काम प्रधानमंत्री के मनगढ़ंत बातों को मन की बात कहना है? प्रधानमंत्री जी ने देश से ताली पिटवाई, थाली बजवाई, दिए टॉर्च मोमबत्ती दिखवाए, फूल बरसाए, क्या देश में गरीब मजदूरों को इससे कोई फायदा हुआ? देश की जनता को कोई फायदा हुआ? ये देश के साथ सरासर धोखा है, बेईमानी है जो इस सरकार ने किया है। आज देश में जब पीपीए कहते हैं प्रधानमंत्री जी आपदा को अवसर में बदलिए, भाजपा के लोगों ने अवसर में बदलना शुरू किया। किस तरीके से हिमाचल प्रदेश में घोटाला हुआ, यूपी में घोटाला, पीपीए किट का घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश में आटा घोटाला हुआ रिलीफ के नाम पर, गुजरात में घोटाला हुआ, उस घोटाले में जब जज ने जब प्रकाश डालना शुरू किया तो उस जज का रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। जो जज तेल मालिश वाले चिम्मियानंद को जमानत दिया उसका प्रमोशन दे दिया गया। जो जज दिल्ली दंगों पर प्रकाश डाला
प्रकाश ये प्रवेश साहेब सिंह वर्मा, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा जैसे लोगों पर एफआईआर दर्ज करने की बात की, रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया। तारीफ पार गृह मंत्री पर जिस जज ने संज्ञान लेना शुरू किया उस जज का हत्या करा दी गई, पता ही नहीं चला संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई, कौन लोग जवाबदेह हैं? देश पूछ रहा है, जो राफेल मामले को दबाने की कोशिश किया उस रंजन गोगोई को राज्यसभा में भेजने की बात की जा रही, अब तो जजमेंट भी बिकने लगे हैं, लोगों को न्यायपालिका से भरोसा उठ गया है, इस देश में कहां ले जाना चाहते हैं भाजपा के लोग? मनोज तिवारी को यहां से पद से हटा दिया गया है, सबसे पहले आप बिल्कुल किस उसमें देखना चाहेंगे, क्या उनकी नाकामियां रही हैं यहां पर जिस तरीके से भाजपा सरकार ने उनको यहां के प्रदेश अध्यक्ष हटाने का लिया? जैसा ही उनको अरेस्ट किया गया वैसे ही पार्टी को हटाना था, पार्टी को छीछा लेदर हो गया। ही हौस अली रिंकिया के पापा जब दिल्ली में लोकसभा के से चुने गए, यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में लोगों को नहीं पूछा, वो ट्वीट कर कहते हैं कि हम अगर मुख्यमंत्री होते तो 35,000 रुपया देते, हम एसी गाड़ी से टैक्सी से लोगों को घर पहुँचाते, क्या आपका फर्ज नहीं था? देश ने देखा है, प्रधानमंत्री जी जिस पार्टी से आते हैं भाजपा से, उस पार्टी के 18 करोड़ मेंबर हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उन्होंने कहा 1 करोड़ हमारे कार्यकर्ता प्रतिदिन 5 करोड़ थाली बांट रहे हैं, इस हिसाब से तो 360-370 करोड़ थाली बांटी गई। जब 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को आपने क्यों नहीं कहा कि सबने थाली खिलाए? एक भी थाली कहीं लोगों को नहीं मिला, देश की जनता के साथ धोखा किया गया, लोगों ने देखा है। भाजपा का कोई भी वार्ड काउंसिलर, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री एक भी मजदूरों को न चप्पल मुहैया कराया, ये सरकार कहती थी भाइयों बहनों हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा, देश ने देखा है। भाजपा की ये दरिंदे सरकार, गोरे अंग्रेजों की ये नजायज आत्माएं इनके अंदर हैं, जिन्होंने हवाई चप्पल तक छीन लिया, लोग पानी की बोतल पहनने को मजबूर थे। ये जब देखिए एक नियम आया, डिजास्टर नियम है, जिससे केंद्र सरकार के पास में नियम है कि राज्य सरकार मानने को विवध होगा, जब व्यवस्था है राज्य सरकारों की तब ये राज्य सरकार पर ठिकरा फोड़ रहे कि राज्य सरकार परमिशन नहीं दे रही है ट्रेन चलाने की, क्यों नहीं ट्रेन चलाया, आज आपने ट्रेन खोल दिया। जब विश्व में कोरोना के संक्रमण के मामले में भारत का 4th स्थान है, कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में 6th स्थान है, तब लॉकडाउन खोल दिया गया, आप लोकसभा क्यों नहीं खोलते, आप राज्यसभा क्यों नहीं खोलते, आप विधानसभा क्यों नहीं खोलते? जो मनोज तिवारी जो है वो कहा ये जा रहा है कि 2 बार सांसद भी बन चुके हैं और भोजपुरी कलाकार भी है, बहुत अच्छा एक तरीके से फेमस है, तो उनसे अच्छा दिलीप से तो उनको बनाया नहीं जा सकता था, तो उनको क्यों हटाया जा रहा है? देखिए जिस आदमी को एक चाय वाले को आप कहेंगे कि आप खाना बनाओ तो खाना बनाएगा, हर आदमी का अपना अपना अलग अलग काम है, कर्मों के आधार पर विभाजन है, सबको ये काम सोचता है। एक बढ़ई को आप कहेंगे कि आप कंप्यूटर ठीक करो तो नहीं ठीक कर सकता ना, ये नाचने गाने वाले लोग हैं, इनको नाच गाना ही अच्छा लगता है, ये जनसेवा क्या जानने गए? ये किस तरीके से मनोज तिवारी ने नोटबंदी के समय में कहा था, उनका वो भी वीडियो वायरल हुआ था, आप लोग कभी उस पर प्रकाश नहीं डालते, जब जनता को देखा तो लोग देशभक्ति की गाना गा के उसको उसमें उलझा रहे और कह रहे कि देखिए हमने कैसे जनता को बेवकूफ़ बनाया। जनता को समझना होगा, हम किसी सेलिब्रिटी के नाम पर, किसी जाति के नाम पर, किसी धर्म के नाम पर जब तक नेताओं का चुनाव करते रहेंगे, हमारे साथ ये लोग ऐसे ही क्रूर और भद्दा मजाक करते रहेंगे। मनोज तिवारी कहीं से जनसेवक नहीं है, मनोज तिवारी नाचने गाने वाले लौंडे हैं, एक अंडा के लिए इन्होंने बिग बॉस में छीछा लेदर कर दिया, ब्राह्मणों का काम एक अंडा के लिए छीछा लेदर करना है? मनोज तिवारी जी एक शिक्षिका का अपमान किया गाना गाने के लिए, कहते हैं कलाकारों का सम्मान नहीं, अरे आप कलाकार पहले, आप बेटा हैं, आप घर के पुरुष हैं, आप ये बात सोचिए कि एक महिला ने गाना गाने के लिए कहा, आप उनके अपने स्टूडेंटों के सामने उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, आपको शोभा देता है क्या? अच्छा ये जो जमातियों को लेकर के जो फिर से एक रुख दिया जा रहा है, ये बताइए कि जब जमातियों के साथ इतना ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि टूट रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, क्या चीज़ें मांग रहे हैं, जब उन्होंने प्लाज्मा डोनेट करने की बात करी आकर के, तो उसको लिए कुछ नहीं किया गया और ये नहीं कोई मीडिया बड़ी दिखाई, इसके लिए हम क्या कहते हैं? देखिए जी न्यूज़ में संक्रमण फैला, आरोग्य सेतु ऐप था, तो क्या मौलाना सुधीर पर कार्रवाई होगी? संदीप पात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे, वो कहते थे सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था की तो मेदांता में भर्ती क्यों हुआ, किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती होता, किसी स्टेट में जाके भर्ती होता, उसे सरकार की हकीकत पता चलती। ये लोग कोरोना महामारी में अवसर ढूंढ रहे, घोटाला कर रहे गरीब जनता के नाम पर, जनता को
एक अन्न का कण नहीं मिला, एक रुपया नहीं मिला। देश के साथ कितना बड़ा मजाक है। 500 रुपया जनधन खातों में डाले जा रहे, 500 रुपये से दो कप चाय नहीं पी सकता है प्रतिदिन आदमी। कैसा करूर मजाक है। जो वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर सहायता देने की बात हुई, उसमें देखिए कितना बड़ा डाटा पेश किया गया। लोन मंत्री, अनुवाद मंत्री, खुद प्रधानमंत्री डाटा दे रहे, फिर भी 20,000 करोड़ का खर्च नहीं पूरा हो रहा। तो RBI का लिक्विडिटी मिलाया गया थे 21,00,000 करोड़ पुरता है। प्रधानमंत्री जी, देश में नौटंकी करने से, मदारियों का खेल दिखाने से देश की जनता का भला नहीं होगा, देश का भला होगा। आप रिजाइन कर दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा है। आपने देश में एक भी संपत्ति नहीं बनाई। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो संपत्तियां बनाई थी उसको आपने निजीकरण कर दिया। गोबर पात्रा वो NGC से 27,00,000 रुपया प्लस फंड बोनस लेता है और BJP के लिए जाके हाई हुल्ला मचाता है, नफरत फैलाता है। ये घोटाला नहीं है। एक बात बताइए, जहां बिहार में ये जाते हैं कहते हैं डबल इंजन की सरकार, इनको ट्रिपल इंजन की सरकार मिली, तीनों इंजन फेल हो जाता है। भाजपा, लोजपा, जदयू के नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मुँह में कालिक पोत कर।